भाई जो हमारा ग्रुप था ना उसमें एक इंसान का पैर ऐसे मुड़ा, आज क्या बताएं हम तो किस प्रकार से भाई नीचे गिरा। प्लीज आप लोग वोट करें, जिनका वोट है। और अभी यहाँ से हम लोगों का प्लान थोड़ा सा डील हो गया, जो मेरे मुझे लग रहा है कि उसको घिमट या गुप्त काशी में उसके पैर का एक्सरे करवाना पड़ेगा। चलो 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 भैया, चलो चलो चलो, आने दो आने दो आने दो। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू डे। तो आज की हमारी डे की शुरुआत हो रही है होटल ग्रीन व्यू रिजॉर्ट से, जहाँ पे हम लोग हमेशा रुकते हैं। और हमारे गेस्ट आज, सर कैसा लगा आपको यहाँ पे, क्या फैसिलिटीज? बहुत अच्छा। और यहाँ पे सारी व्यवस्था इनकी अच्छी रही। और अभी हम लोग नाश्ता वास्ता करें। और अभी भाई हमारा प्लान है कि आज हम लोग तुंगनाथ चढ़ें, क्योंकि कितना चला जाएगा ये पता नहीं, क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि सुबह के 8 बजे निकलना है, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे साथ में जिन्होंने देर कर दी, लड़कियां देर करती हैं। समझ सकते हो आप, हमारे साथ वालों ने हमारे साथ वालों ने देर कर दी उठने में, तैयार होने। भाई आपको पता है मैं मतलब 1:30 बजे उठ गया था, क्योंकि यहाँ पे इस बार आया था 40 से 50 लोग आए, तो वो लोग सुबह का सनराइज देखने आए। लेकिन क्या करूँ, मैं मेरे साथ ऐसा इंसान था, मैंने कहा उसको मैं उठाऊंगा तो उसने उठना है नहीं, तो वो भाई अभी उसको ऐसे ऐसे लात मार मार के उठाना पड़ा। चलो उठ उठ उठ। नहीं नहीं बोलो बोलो सर, बोलो अपनी बात। मैं अपनी बात, मेरी बात नहीं हो रही, कोई और है उसकी बात हो रही। चलो कोई नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ, इसको okay. नाश्ता करना है। हम नाश्ता कर रहे हैं, हम नाश्ता कर रहे हैं। भाई ये सीरीज अभी भाई बहुत ही अनबिलीवेबल चल रही है, कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा कैसा होगा। और अभी हम लोग रुके हुए हैं अपने हमेशा के स्पॉट पे, आपको पता है कि होटल ग्रीन व्यू रिजॉर्ट पे। और भाई मैं उठ चुका था मॉर्निंग के 1:30 बजे भाई, क्योंकि यहाँ पे इस समय भाई इतने सारे ग्रुप आए हुए हैं ना यहाँ पे घूमने के लिए सब कुछ, क्योंकि इस समय सबसे बेस्ट वेदर है। आपको जिस समय आपको स्नो भी देखने को मिलेगी और बुरास भी देखने को मिलेगा और बहुत सारे एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। और देखो इस बार यहाँ पर पूरी बर्फ़ खाली हो रखी है, प्रॉपर खाली, समझ सकते हो आप लोग कि भाई कितना सही टाइम है। तो अभी हमारे जो ये वाले हैं ना, ये वाले वो कमरे भी खुल चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हो। और भाई बहुत लग्जरियस रूम है। तो कर लिया हमने अपनी बाइक कोड स्टार्ट, क्योंकि भाई यहाँ पे अभी टेम्परेचर भी लगभग 3-4 होगा, शाम को तो भाई डाउन हो ही जा रहा है। हल्की फुल्की कल भी बर्फ़ गिरी थी और आज भी मौसम चेंज हो रहा है, ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स दिख ही रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। चलो भाई चलते हैं, आज की यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा ज़्यादा बड़ी है नहीं अभी बाइक की, थोड़ा सा हम लोग को यहाँ से चलना है 1 किलोमीटर, उसके बाद पैदल पैदल अपनी तुंगनाथ जी की यात्रा, देखते हैं कहाँ तक कवर हो पाता है। बट जो भी है, आज की यात्रा को शुभ रखे, मंगलमय रखे। तो बोलो भोलेनाथ जी की जय। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना यहाँ पे तो पूरा बर्फ बर्फ था, और इस बार देखो भाई बर्फ हट गई और जो ब्यूटीनेस है वो बुनास ने बना दिया भाई, क्या मस्त लग रहा है। हर टाइप के आपको देखो बुनास दिख रहे होंगे यहाँ आज भी, कल हमने वहाँ पे दिखाया, देखो यहाँ पे तो वाइट वाला भी दिख रहा है, हल्का पिंक और रेड वाला, देखो मतलब तीनों टाइप के बुनास आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा। देख रहे हो भाई इतने सारे लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं, बड़ी बड़ी बसेज। अभी तो वैसे भी शुरू नहीं हुआ सीजन, बट उससे पहले ही लोगों का आना शुरू हो गया, और ऊपर से अभी वीकेंड है तो ज़्यादा ही। ओ माय गॉड, जिमनीज यार भाई, बहुत मज़ा आता है इसको देख के। तो भीड़ तो देखो ना कितनी है भाई, बाइकें देख लो, इतनी गाड़ियां इतनी बाइकें। भाई कैसे लेके आ रहा हूँ मुंह पे, देख भी रहा है कि जगह नहीं है। और देवभूमि आपके यात्रा मंगलमय हो। अब यहाँ से हो चुका है रुद्रप्रयाग शुरू, तो रुद्रप्रयाग में हम लोग एंटर हो चुके हैं। देखो भाई यहाँ से मिलेंगे आपको सारी गाड़ियाँ जो भी है, देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। तो कर लिए हम लोगों ने बाइक पार्क, और एक और बार तुंगनाथ जी की तरफ को। और यहाँ पे देखो छोटा सा बच्चा भी है भाई, चल रहा है अपने पापा जी के साथ, और इतनी एनर्जी ना उसके अंदर, अभी हर हर महादेव कर रहा था, बहुत ही मस्त। देखो और इस साइड पे देखो भाई इतने सारे लोग भाई इस बार ट्रैवल करने आए हैं ना, सीरियसली यार मतलब बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों हम लोग भाई अभी ट्रैक कर रहे हैं तुंगनाथ जी का। तुंगनाथ तो वैसे मैंने कर लिया था पिछले विंटर्स में ही, बट इस समय भाई सच में बहुत तगड़ी भीड़ है भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना लोग पागल क्यों रखे हैं। ये देखो हम लोग पहुंच चुके हैं चोपता वाले पोर्शन पे, और भाई ऑलमोस्ट नहीं भी होंगे ना अभी आज के टाइम में, लगभग यहाँ पे 500+ लोग हैं भाई। और सबसे ज़्यादा हो रखे कि लोग चंद्रशिला के लिए क्रेजी हैं भाई, मतलब
चंद्रशिला जो रूट था ना कभी के टाइम बहुत टफ लगता था, बट हम लोग धीरे धीरे करके चंद्रशिला को भी कर रहे हैं। और देखो हम लोग भी जा रहे हैं आगे, देख लो भाई ऑलमोस्ट सब लोग लगे हुए हैं। तो चंद्रशिला करते हैं इस बार, और आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड हाईएस्ट एवर टेम्पल पहुँच के चंद्रशिला हमने पिछली बार नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पर टाइम का इशू था, बट आज टाइम है और हम लोग पूरा करेंगे चंद्रशिला। और चंद्रशिला की स्टोरी ये है कि प्रजापति जो दक्ष थे ना उनकी 22 पुत्रियाँ थी, उनमें से एक पुत्री थी उसे चंद्रमा जी, मतलब चंद्रमा जी को ना उनकी एक पुत्री पसंद आ गई थी, तो उसको दक्ष जी ने श्राप दे दिया था। और उस श्राप को दूर करने के लिए उस पुत्री ने यहाँ पर तप किया था भगवान भोलेनाथ जी का, तो यहीं से इस जगह का नाम चंद्रशिला पड़ा है क्योंकि चंद्रमा से रिलेटेड है इसलिए। तो ये देखो भाई हम लोग पहुँचे अभी चंद्रशिला से थोड़ा नीचे, और देखो लोग किस प्रकार से भाई नीचे के लिए आ रहे हैं ऐसे पूरा, समझ सकते हो भाई अभी भी इतना ईजी नहीं है यहाँ से ऊपर चढ़ना। देख सकते हो भाई कोई भी ट्रेल नहीं है, अपने हिसाब से ट्रेल बनानी है और जितना इजी करके चल सकते हो चलो, वरना आपको ऐसे ही स्लाइड होते हुए आना पड़ेगा नीचे। चलते हैं भाई ऊपर के लिए, ऑलमोस्ट यहाँ से अभी लगेगा हमको 15 मिनट। फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग चंद्रशिला, और भाई सबसे हाईस्ट पीक में से एक पीक है चंद्रशिला पीक। और पीछे देख सकते हो भाई हम लोग भाई मंदिर के जस्ट बगल पे हैं, और इतना क्राउड है ना भाई सीरियसली, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा चंद्रशिला भाई इतना। इस साइड पर देखोगे बहुत सारे लोग, इस साइड पे देखोगे बहुत सारे लोग, मतलब मेरे को लगा नहीं है भाई कि इतना अभी ऑफ सीजन में इतने लोग आ रहे हैं। और ये सारा क्राउड लोकल नहीं है, सारा क्राउड बाहर का है, तो सोच सकते हो आप कितना तगड़ा हुआ। और जो भी है भाई सब्सक्राइब करो और फॉलो करो, थैंक यू भैया शेयर, थैंक यू। तो यहाँ पे इतने लोग क्या बता, देख रहे हो भाई, तो सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं और हम लोग बैठ के अपने को सुकून पाते हैं भाई। अभी हम लोग आए हैं इधर पंचमुखी मूर्ति के लिए, और इस साइड पे देखो भाई मैं कह रहा था ना आप लोग इतने सारे लोग, और वो है हमारा कैंप इस साइड पे देखो भाई। मतलब सच में यार इतना लोगों के अंदर अभी भाई इस जगह पे आने का पागलपन है, क्या बताएं, अच्छी बात है, बट यह कि गंदा ना करो सबसे बड़ी बात यही है। हम लोग भी करते हैं पंचमुखी के दर्शन। कर चुके हम लोग चंद्रशिला का भी इस बार ट्रैक पूरा, और भाई जिस हिसाब से भीड़ थी ना उस हिसाब से मज़ा तो आया, लेकिन यह कि इतना रश अभी से देखने को मिल रहा था भाई सोचे। तो धन्यवाद भगवान एक और बार आपने इस जगह की हमारी यात्रा मंगलमय करवाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी बाइक पे और निकल रहे हैं अभी चोपता से, और भाई अभी तो प्लान वैसा है त्रिजुगी नारायण निकलने का, ये भाई अनसर्टेन प्लान चल रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है कि हम लोग पहले पहुंच पाते हैं त्रिजुगी नारायण या उखीमठ में भी रुक सकते हैं वैसे हम लोग, मत देखते हैं कैसा कैसा होता है, निकलते हैं जैसा भी हम लोगों को लगेगा कि यार हाँ भाई चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए वैसे ही डिसाइड करें, क्योंकि भाई ये जो ट्रिप है ये है अनसर्टेन ट्रिप, जहाँ भी आपको मन करे वहाँ रुक जाओ, जहाँ भी इच्छा होगी वहाँ चलो। और भाई जो हमारा ग्रुप था ना उसमें एक इंसान का पैर ऐसे मुड़ा, आज क्या बताएं हम उसका पैर अभी सही करते करते ही अब दिक्कत हो गया, अब मुझे लग रहा है कि उसको उखीमठ या गुप्तकाशी में उसके पैर का एक्सरे करवाना पड़ेगा। वो लोग तो आराम आराम से आएंगे, मैं निकलता हूँ पहले आगे। हेलो फ्रेंड्स, तो भाई कल हम लोग पहुँच चुके थे ओंकारेश्वर मंदिर मतलब उखीमठ में, और भाई हम लोगों का सही डिसीजन था कि उखीमठ में रुकना, क्योंकि शाम को वेदर इतना ख़राब हो गया था ना कि क्या बताएं। जैसे हम लोग पहुँचे ना उसके बाद तो भाई थक हार के बहुत ही भयंकर सीधा रूम पे आए सो गए, और मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ दिखाता हूँ। देखो ठीक सामने है ओंकारेश्वर मंदिर, और जिन जिन लोगों को नहीं पता है कि ओंकारेश्वर मंदिर क्यों फेमस है, तो ओंकारेश्वर मंदिर इसीलिए फेमस है यहाँ पर भगवान केदारनाथ और भगवान मधुमेश्वर जी की शीतकालीन डोली रहती है। तो आने वाले मई में आप लोगों को पता है केदारनाथ जी के कपाट खुलने वाले, तो यहीं से केदारनाथ यात्रा का भी शुभारंभ होता है और मधुमेश्वर की यात्रा का भी शुभारंभ होता है। तो हम लोग बहुत सही जगह पे पहुँचे, और ठीक सामने देखे वो है गुप्तकाशी, बहुत ही मस्त लोकेशन पे यार हम लोगों ने स्टे किया,
और जो ये प्रॉपर्टी है ये है रुद्राक्ष इन, आप लोगों को मिल जाएगी ओंकारेश्वर मंदिर के रूट पे। तो अभी मौसम थोड़ा सा धुंधला है बट क्या करें, ऐसा होता रहता है यहाँ पे, आग वाग लगी हुई है तो इसी चक्कर में। और अभी यहाँ से हम लोगों का प्लान थोड़ा सा डिले हो गया, जो मेरे मतलब गेस्ट वेस्ट आए हैं तो उन लोगों का ये प्लान हो गया कि टाइम का थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो वो लोग यहीं से वापसी कर रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ श्रीनगर तक चलूँगा और श्रीनगर से उनको सी ऑफ कर लेंगे। और बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग उनको क्यों शो नहीं करवा रहे, तो कुछ प्राइवेसीज होती है उन लोगों की, तो इसी वजह से हम उन लोगों को शो नहीं करवा पा रहे हैं। थोड़ा सा समझ सकते हो आप लोग, भाई वो ट्रिप करने आए तो वो कह रहे हैं कि हम कैमरा फ्रेंडली भी नहीं है। तो निकल चुके हम लोग यहाँ से। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। तो भाई अंकल जी ने सारी व्यवस्थाएँ की थी, बहुत ही काइंडफुल पर्सन है भाई। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है ना वो ऐसा नहीं कि यार फ़ोन पे ही हो जाता है। तो अभी जब मैंने पेमेंट की बात की तो उन्होंने कहा कि पेमेंट हो जाएगा, आप लोग बस अपना चलिए। तो जो हमारे यहाँ पे का सारा अरेंजमेंट देखता है वो देखता है हमारे भूपी भाई। तो भूपी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो भी हमारी हेल्प आउट करते ना, मतलब ओखीमठ में आना है तो उनसे हेल्प तो मिल ही जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे ओखीमठ, ओखीमठ होते हुए कुंड। और कुंड का रूट का अपडेट यह है कि यार थोड़ा सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और प्लान तो ये था कि त्रिजुगीनाथ जाना, लेकिन आज पूरा हो नहीं पा रहा है और थोड़ा सा भाई हेल्थ इशू भी चल रहा था इसी वजह से। तो मैं निकल रहा हूँ अभी सीधा श्रीनगर के लिए, और वो लोग तो आगे आगे जा ही रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे। वैसे हम लोग को जाना इसी साइड था, लेकिन क्या करें थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई है, तो हम लोगों को अब वापस श्रीनगर के लिए निकलना पड़ रहा है। और भाई थोड़ा थोड़ा इधर भी रूट बहुत बेकार हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर भी काम लगा हुआ है, देख सकते हो भाई उत्तराखंड पुलिस लगी हुई है ट्रैफिक को एकदम हैंडल करने पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये अभी कटिंग वटिंग चल रही है ना, इस वजह से जाम ज़्यादा लग रहा होगा यहाँ पे। और मुझे लग रहा है इस बार यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाम देखने को मिलेगा हमें, आज ना मिले बस जब तक हम लोग आए तब तक जाम नहीं मिलना चाहिए। ये देखो भाई कैसा कैसा चल रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं भीरी श्री केदारनाथ मार्ग, और यहाँ पे भाई पहला जाम देखने को मिल गया है। तो जाम वाम तो मिलते रहेंगे यार, अभी तो अब लोग हम लोग हाईवे पे पहुँच रहे तो जाम तो देखने को मिलेगा। चलो 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 भैया, चलो चलो चलो, आने दो 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 भाई। अभी हम लोग ट्रिप तो कर रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत आ गई है, इसके हो गए हैं डिस्पैच ख़त्म, तो वही सब चेंज करवा रहे हैं अभी, क्योंकि भाई पिछला ब्रेक लग ही नहीं रहा था। अभी होप सो अब लग जाए, थोड़ा फटाफट चेंज करवाते हैं तब देखते हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं वापसी घर गोपेश्वर, और बाइक के डिस्पैच हम लोगों ने सही करवाए थे, और जो हमारे साथ आए हुए लोग थे उन्हें हम लोगों ने शो ऑफ कर दिया था। तो आते हुए मेरे को पूरा ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाया, और थकान इतनी हो गई थी कि क्या बताएं। और थोड़ा सा कुछ वर्क्स भी थे जो हम लोगों को डीएम सर को भाई प्रोवाइड करवाने थे, इसलिए मुझे भी जल्दी आना पड़ा। और हाँ भाई, आने वाले दो दिनों में हम लोगों का पता है ना आप लोगों को इलेक्शन आने वाला है, तो इसी वजह से हम लोग वोट के लिए भी आ चुके हैं, और मेरा तो वोट है ही, और आप लोगों का वोट है या नहीं कमेंट में बताएं, और वोट है तो ज़रूर वोट कीजिए भाई, नेशन के नाम पे वोट कीजिए, तो देश के नाम पे वोट कीजिए, क्योंकि हर एक वोट ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग वोट करें, जिन जिनका वोट है जहाँ भी है वोट करना ज़रूर, तो किसी को भी करो वो आप लोगों की इच्छा है, बट वोट ज़रूर करें। तो अभी हम लोग करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ़।